ठीक है। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा पैक्सिन आपकी बुक में कितनी है पीएचएस की, पैक्सिन की? 1.4। एमन ने कहा मुझे कि 1.4 है बुक के अंदर। वैसे आप गूगल पे या कहीं सर्च करें तो इसकी जो पीएच है वो कितनी है पीएचएस की, यानी कि 1. घटेगा कैसे ये? अब सही है। अच्छा जो आप गूगल पे या इधर सर्च करेंगे तो इसकी पीएच आपको 1.6 मिलेगी। खैर आपकी बुक को फॉलो करते हैं क्योंकि आपने एंटी टेस्ट बुक से देना है 1.4। ठीक है, किसी ने मुझे कहा कि 1.4 है इसकी पीएच, किसी ने क्या, एमन खान ने कहा है। ठीक है, अच्छा देखिए पैप्सिन जो है एक एक्टिव फॉर्म, मैंने बता दिया पैप्सिनोजिन। पैप्सिनोजिन देखिए ये क्या करता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम वो एंजाइम जो प्रोटीन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, उनको हम किसका नाम देते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होता है, इसलिए इनएक्टिव फॉर्म में होता है कि अगर अगर ये एक्टिव फॉर्म के अंदर हो तो ये आपके यानी कि जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वहां पर ये मौजूद होता है, गैस्ट्रिक जूस के थ्रू आता है, तो ये उसी को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो एट द टाइम ऑफ नीड ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म के अंदर चला जाता है। ठीक है, या फिर उसके बाद दूसरा। अच्छा मैंने कहा कि इसकी पीएच कितनी है आपके पास, चले पेप्सिन की 1.4 या 1.6 से लेके 2 तक या 1.7। ठीक है, आपकी बुक के अंदर ये है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो 1.6 से 2 तक आपको इसकी रेंज नजर आ जाएगी। चले 1.7 हटा दिया क्योंकि 1.6 से 2 किया तो उसी में 1.7 आ गया। ठीक है, उसके बाद पेप्सिन, पेप्सिन की जो पीएच लेवल है वो कितना है, 8.6 के करीब इसका, 8.6 के करीब इसका पीएच लेवल है। ठीक है, अब देखिए सपोज करता हूं कि मैं पेप्सिन है और पेप्सिन की पीएच अकॉर्डिंग टू योर बुक कितनी है, 1.4। ठीक है, या फिर 1.6 से 2 तक इसकी क्या है, पीएच लेवल है। ठीक है, अब अगर क्या हो, अगर क्या हो कि इसकी पीएच लेवल 2.5 पे चली गई, जब 2.5 पे गई पीएच लेवल, तो ऐसे में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस इंक्रीज होंगे, तो ये जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस हैं, ये जो हाइड्रोजन आइंस हैं, ये अफेक्ट करेंगे किसको, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एन एंजाइम्स, ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, तो अब यानी कि आप, मैंने कहा कि 1.4 या 1.6 से 2 तक इसका पेप्सिन का पीएच है और पीएच आप बढ़ाएंगे तो पीएच बढ़ रही है ना, आगे की तरफ जा रही है, मतलब 2.5 हो गई। ठीक है, अब जब 2.5 हो गई तो ऐसी कंडीशंस के अंदर चेक तो क्या है, 1.4 इज राइट। ठीक है 1.4, चलें ठीक है फिर आपकी बुक को फॉलो कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं इन सबको हटाता हूँ, आपकी बुक के मुताबिक 1.4 कर देता हूँ। मैंने कहा कि इसकी पीएच लेवल कितनी हो गई, 1.4 से किस पे चली गई, 2 के ऊपर चली गई। जब इसका पीएच लेवल इंक्रीज हुआ तो ऐसे में देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस इंक्रीज होंगे और ये जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस हैं वो क्या करेंगे, इस केमिकल बॉन्डिंग को क्या कर देंगे, एंजाइम की अफेक्टेड कर देंगे। ठीक है, तो अब देखें यहां पर ये ट्रैप्सिन है 8.6, क्योंकि 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है पीएच स्केल में, 7 क्या है, न्यूट्रल नंबर है, और 8.6 ये क्या है, अल्कलाइन, अल्कलाइन नेचर है इस एंजाइम की। अल्कलाइन नेचर से मुराद क्या है, बेसिक, इसकी नेचर क्या है, बेसिक है। ठीक है, तो आपने क्या करा कि 8.6 के बजाय, सपोज करें 8.6 के बजाय ये 9 पे चला जाए, 9 पे चला जाए, तो आप जानते हैं ना कि ऐसे में बेस के अंदर OH नेगेटिव आइंस, इनके नंबर्स क्या होंगे, OH नेगेटिव आइंस के नंबर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और जब OH नेगेटिव आइंस के नंबर इंक्रीज होंगे तो ऐसे में ये जो OH नेगेटिव आइंस के नंबर इंक्रीज हुए, इस OH नेगेटिव आइंस ने किसको अफेक्ट किया,
अफेक्टेड द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एन एंजाइम. और जब केमिकल बॉन्डिंग अफेक्टेड हुई एंजाइम की, तो एंजाइम क्या हो गया, डी नेचर हो गया. और यहां पर हाइड्रोजन आयन है एसिड के अंदर, पीएच बढ़ी तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन से इंक्रीज हो गए, उन्होंने क्या करा, केमिकल बॉन्डिंग को अफेक्ट किया, तो यहां पर भी एंजाइम क्या हो गया, डी नेचर हो गया. यानी कि इनकी जो रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, लॉस हो जाती है, या फिर स्टॉप हो गई, या फिर इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो गई, लॉस हो गई. तो ये तो आपके पास क्या था, पीएच था. अब मैं चैट बॉक्स पे देखता हूँ. अच्छा जी, चैट बॉक्स के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं. स्क्रीनशॉट के बाद कोएंजाइम, एक्टिवेटर, इनहिबिटर्स, इनके बारे में डिस्कस करते हैं. अच्छा, इनके बारे में अपने सर, माल्टेज की 7 होती है ना, क्या चीज माल्टेज की, पीएच माल्टेज क्या है, माल्टेज एंजाइम. अच्छा हाँ, एंजाइम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. यस यस सर, रिएक्शन कांस्टेंट रिपीट करना कल वाला, ठीक है मैं रिपीट कर दूंगा. रिएक्शन कांस्टेंट कब होगा, रिपीट कर दूंगा ठीक है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ट्रिप्सिन रिपीट कर दें महानैन, ठीक है ट्रिप्सिन को रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है. अच्छा देखें, ट्रिप्सिन मैंने सिंपल वे में आपको बताया, मैंने कहा इसकी पीएच कितनी है, 8.6, अल्कलाइन नेचर है, बेस है, बेसिक है. अगर इसकी पीएच 8.6 से 9 हो गई, ठीक है ना, बेसिसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. जब एसिडिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इंक्रीज होते हैं, और जब बेसिसिटी इंक्रीज होती है तो ऐसे में OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्सिल आयन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है. कितनी थी स्पेसिफिक पीएच, 8.6, तो 8.6 से कितनी हो गई आपके पास, 9 हो गई. 9 हो गई तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन्स मतलब हाइड्रोक्सिल आयन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. ये जो हाइड्रोक्सिल आयन इंक्रीज हुए, इन्होंने अफेक्ट किया केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एन एंजाइम को, जिसकी वजह से एंजाइम डीनेचर हो गया, या उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो गई, लॉस हो गई. स्टेट क्लियर, स्क्रीनशॉट लें, आगे चलें. अच्छा जी, आगे साफ कर दो, इसको साफ कर दो. थैंक यू. थोड़ी थोड़ी क्या, चाय चाहिए, थोड़ी सी पानी चाहिए, रोटी चाहिए, सालन चाहिए, जुमरात को आना, थर्सडे को, आज ट्यूसडे, ठीक है अरीबा. चले जी, मैं इसको साफ कर रहा हूँ. चले अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, एक्टिवेटर है और कोएंजाइम है. चैट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर दीजिएगा, चैट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा कि सबसे पहले तो चले कोएंजाइम का पूछता हूँ. मैं पूछू रिमशा अर्शद, रिमशा बेटा, रिमशा लिखो बेटा, बताओ चैट बॉक्स पे कोएंजाइम क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ. रिमशा कहाँ गई बेटा, हो या नहीं हो क्लास के अंदर, क्लास में तो होना. अच्छा रिमशा, ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीनियस पार्ट, ओ माय गॉड, यस राइट. एग्जांपल दो बेटा, एग्जांपल दो, एग्जांपल दो, एनएडी एटीपी, ठीक है क्लियर है ना आपके माइंड में ये, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है. अब मैं जरा देखूं मीटिंग में कौन कौन है, मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ. अच्छा अलिश्वा बताएंगी, अब अलिश्वा, अलिश्वा आप बताओ एक्टिवेटर क्या है. अलिश्वा बताए, अगर अलिश्वा ना बताए तो फिर संध्या बताए. संध्या, संध्या है मीटिंग में, हाँ है. अच्छा जी संध्या बताओ, सैयदा ईशा, इंक्रीज एक्टिविटी, किसकी एक्टिविटी है, क्या एक्टिवेटर, क्या है एक्टिवेटर, भाई एक्टिवेटर है क्या, ईशा, ईशा एक्टिवेटर क्या है, कोफैक्टर्स हैं, तो ये होते क्या है, किसके बने होते हैं एक्टिवेटर, इनऑर्गेनिक, यस वेरी गुड, मेटल्स 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 मेटल्स, राइट 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 राइट, ठीक है. देखिए एक्टिवेटर सारे के सारे क्या होते हैं, एक्टिवेटर्स जितने भी हैं वो सारे मेटल्स हैं, और वो इनऑर्गेनिक पार्ट है एंजाइम का, ठीक है. जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैग्नीशियम,
पासपोर्टीज इंजामी, याद रखना ये एमसीक्यू आएगा, दूंगा, बल्कि मैंने जो टेस्ट दिए कल उनके अंदर आप देख लीजिएगा कि मैग्नीशियम किसका एक्टिवेटर है, किसका, फास्फोटेज एंजाइम का, जिंक किसका एक्टिवेटर है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स का एक्टिवेटर है, ठीक है जी, कोएंजाइम भी हो गए, एक्टिवेटर्स भी हो गए। अच्छा चले एक क्वेश्चन और थोड़ा सा चेक करता हूँ, समझ आया या नहीं आया। अच्छा मुझे ये बताएं, अब मैं जिससे पूछू हुआ अरिशा बलोच, आप मुझे बताइएगा बेटा कि जो कोफैक्टर है उसका सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कोवलेंटली बाइंड होगा या नॉन कोवलेंटली, लिख के बता दें चैट के ऊपर, मैं देखता हूं आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अरिशा बलोच, यस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नॉन कोवलेंटली होगा। अच्छा महानयन तुम बताओ, कोएंजाइम नहीं बल्कि चलो सैफुल्ला आप बताइएगा कि कोएंजाइम जो है उनका जो सब्सट्रेट है वो एंजाइम के साथ कैसे बाइंड होगा, कोवलेंटली या नॉन कोवलेंटली। देखो चैट पे क्या आ रहा है, नेहा कोवलेंटली, सोहा, राणा कोवलेंटली, सोहेब, शफाज, जिससे पूछा था उसका तो नहीं आया, सैफुल्ला मलिक से मैंने पूछा था उसका नहीं आया कोई आंसर, सैफुल्ला मलिक, संध्या, फिजा, जुल्फिकार, ओ माय गॉड छोटी भी है क्या मीटिंग में, छोटे छोटे बच्चे भी आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, क्या बात है, फीडर पीने की उम्र है, इंजाइम पढ़ रहे, दूध के दांत टूटे नहीं अभी से आ गए पढ़ने इंजाइम। सैफुल्ला फर्स्ट एंड मेरा था, ठीक है बेटा ठीक है चलें जी। अच्छा जी ये भी हो गया, अब डिस्कस करेंगे इनहैबिटर के ऊपर, इनहैबिटर, ठीक है, चैप्टर बस एंड हो रहा है, फोर्थ चैप्टर शुरू हो रहा है। देखिए इनहैबिटर्स बेसिकली क्या है, अगर मैं इनहैबिटर्स के ऊपर बात करूं तो इनहैबिटर्स आर द सब्सटेंस व्हिच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। इनहैबिटर्स क्या है, देखें इनहैबिटर्स आर द सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है ठीक है, कंपाउंड है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, तो इनहैबिटर आर द सब्सटेंस व्हिच डिक्रीज द activity of an enzymes, they have close resemblance with substrate। ठीक है, वेरी सिंपल, इनहैबिटर वर्ड निकला है कहां से, इनहैबिट से, कहां से निकला है, इनहैबिट, और इनहैबिट से मुराद क्या है, स्टॉप करना, किसको स्टॉप करना, एक्टिविटी को, किसकी एक्टिविटी को स्टॉप करना, एंजाइम्स की, कि वो सब्सटेंस जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्टॉप कर दें उनको हम किसका नाम देंगे, इनहैबिटर्स का नाम देंगे, ठीक है। अच्छा इनकी बहुत ज्यादा दे हैव अ क्लोज रिजेम्बलेंस विद सबस्ट्रेट, इनकी बहुत ज्यादा क्लोज रिजेम्बलेंस पाई जाती है सबस्ट्रेट के साथ, ये मिलते जुलते हैं सबस्ट्रेट के साथ, आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये सबस्ट्रेट है लेकिन ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट नहीं होता, ठीक है, अगर ये एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड हो जाए तो ऐसी सूरत में रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा और एंजाइम अपनी यूं कह लें कि अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देगा। इनहैबिटर कितने टाइप के, दो टाइप के हैं, देखें देयर आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स हैं इनकी इनहैबिटर्स की, नंबर वन कॉम्पिटिटिव इनहैबिटर्स, कॉम्पिटेटिव इनहैबिटर्स, देखिए कॉम्पिटेटिव इनहैबिटर्स क्या होते हैं, दे हैव रिजेम्बलेंस विद सबस्ट्रेट, एंड व्हेन दे बाइंड विद एक्टिव साइट
एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम देन एंजाइमेटिक एक्टिविटी विल बी लॉस और डिक्रीज। चलिए जी सपोज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये एक एंजाइम है और ये इसका पर्टिकुलर सब्सट्रेट, ये एंजाइम है और ये सब्सट्रेट है, ठीक है। अब यहां पे इस सब्सट्रेट को आके बाइंड होना था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक जाने ऐसे दिखाता हूं कि एक ये सब्सट्रेट आकर के यहां पे क्या हो गया, बाइंड हो गया। ये सब्सट्रेट आके यहां पर क्या हो गया, बाइंड हो गया। अच्छा देखिए, इस सब्सट्रेट के यहां पर आकर के बाइंड होने से क्या होगा, बेसिकली तौर के ऊपर अगर ये सब्सट्रेट यहां पे आकर के बाइंड हो गया तो इसके बाइंड होने से क्या होगा, एक्टिव साइट क्या हो गई, फिल हो गई, एक्टिव साइट फिल हो गई, ठीक है, और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज डिक्रीज हो गई। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, इट कैन बी कंट्रोल बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। अगर रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, अगर सपोज कर लें, चले मैं यहां पर इफ रिएक्शंस आर reversible, reactions are reversible, then it controlled to increase the amount of substrate. अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो आप अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। देखिए आपने क्या करा, ये इसका नजर करता हूं कि ये इसका पर्टिकुलर सब्सट्रेट आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें, अच्छा ये कौन सा एंजाइम होगा, ये भी देख लें, ये एंजाइम होगा, कौन सा एंजाइम होगा, कौन सा एंजाइम, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, एंजाइम कौन सा होगा, कोएंजाइम होगा, कोफैक्टर होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, कोफैक्टर, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश शाबाश, इसका मतलब समझ आ रहा है, कोफैक्टर। अच्छा अगर कोएंजाइम होता तो आप इस इनहिबिटर को हटा सकते थे इस इनहिबिटर को, नहीं, क्यों, क्योंकि वो कैसे बाइंड हो जाता, कोवलेंटली बाइंड हो जाता, और जब वो कोवलेंटली बाइंड हो जाता तो कोवलेंट बॉन्ड के पास कितनी ज्यादा एनर्जी होती है, फिर उस कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती, जब आप वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करते तो ऐसे में एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को मेरी। अच्छा जी, अब देखिए हमने क्या करा, ये सब्सट्रेट के, ये क्या था, सब्सट्रेट था, इसके अमाउंट को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जब हमने इस सब्सट्रेट के अमाउंट को इंक्रीज किया तो ऐसे में ये था इनहिबिटर। चलें जी मैं यहां लिख देता हूं, कितनी ज्यादा रिजेम्बलेंस पाई जाती है सब्सट्रेट के साथ, सिर्फ थोड़ा सा साइज का डिफरेंस है, बाकी इसकी क्या है, रिजेम्बलेंस पाई जाती है, और इस पर्टिकुलर एक्टिव साइट के ऊपर आके आसानी के साथ क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। हमने क्या काम किया कि हमने सब्सट्रेट का अमाउंट क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और जब सब्सट्रेट का अमाउंट इंक्रीज किया तो इन दोनों के दरमियान में क्या होगा, कॉम्पिटिशन। अगर सपोज करें दो लोगों के दरमियान में कॉम्पिटिशन करवाया जाए, एक मेरे जैसा पतला दुबला सूखा सा इंसान हो और एक हेल्दी इंसान हो, ठीक है, तो कौन जीतेगा, मैं जीतूंगा या वो जीतेगा, है? जिसका बॉडी वेट ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, वो जीतेगा या मैं जीतूंगा, देखो जरा, मोटा, ठीक है, मोटा इंसान क्या है, जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा। तो सपोज कर लें कि मैं इनहिबिटर हूं, मैं वहां जाके बाइंड हो गया, ठीक है ना, मैं वहां जाके क्या हो गया, बाइंड हो गया, और जो मोटा शख्स आया है वो क्या है, सब्सट्रैक्ट है। तो अब मेरे और उसके दरमियान में कंपटीशन हो, वो बोले नहीं मैं इस जगह के ऊपर आकर के बैठूंगा, मैं बोलूं मैं बैठूंगा, तो वो मेरे साथ रेजिस्टेंस करेगा, और उस रेजिस्टेंस के नतीजे में उसका वेट हैवी था, उसमें ताकत ज्यादा थी, वो मुझे वहां से निकाल के फेंक देगा और खुद वहां पे आकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो सेम ये कंडीशन यहाँ पे हो रही है,
देखें, ये इनहेबिटर था, इसका अमाउंट कम था, हमने इसका अमाउंट बढ़ाया, तो इन दोनों के दरमियान में क्या हुआ? कंपटीशन। जब इन दोनों के दरमियान में कंपटीशन हुआ तो देखें क्या हुआ, दोनों के दरमियान में कंपटीशन हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन के रिजल्ट में क्या हुआ, ये इनहेबिटर हट गया और जाकर के जो पर्टिकुलर सबसेक्ट था वो बैठ गया। ऐसा कब कर सकते हैं आप? अगर कोई इनहेबिटर आ जाए तो अगर रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबली एमसीक्यूज आ सकता है, अगर रिएक्शन रिवर्सिबली यू कैन कंट्रोल द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, तो आप एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं और आप आसानी के साथ उस इनहेबिटर को वहां से हटा करके क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को अटैच कर सकते हैं। लेकिन कब? आपको फिर क्या करना पड़ेगा वहां पे, आपको अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। जब अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो दोनों के दरमियान में कॉम्पिटिशन होगी, जिसका साइज ज्यादा होगा वो जीत जाएगा और जिसका साइज कम होगा इनहेबिटर का, वो वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो इनहेबिटर की आप शेप देखें, रिजेम्बलेंस रखती है बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ में, लेकिन ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट नहीं होते। इनके बाइंड होने से देखें, इनके बाइंड होने से एंजाइमेटिक एक्टिविटीज चलती ही नहीं है। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वो उसका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट नहीं होता है। ठीक है, खुद ही फिक्स हो जाता है ना, खुद ही फिक्स हो जाता है। सबस्ट्रेट का अमाउंट इसलिए बढ़ाते हैं ईशा, ताकि जो इनहेबिटर है उसके मुकाबले में उसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाए और दोनों के अंदर एक कॉम्पिटिशन डेवलप हो, और उस कॉम्पिटिशन डेवलप होने की वजह से सबस्ट्रेट का अमाउंट ज्यादा होगा तो सबस्ट्रेट जो है वहां बाइंड हो जाएगा और वो वहां से इनहेबिटर निकल जाएगा। थोड़ा बहुत अमाउंट बढ़ाया जाता है, ज्यादा नहीं, और वो भी कब कब ऐसा पॉसिबल होगा, जब रिएक्शन रिवर्सिबल होंगे, ये भी माइंड में रखिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले साफ करें, फिर आगे चलते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर्स की तरफ। के नॉन कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर्स क्या है? अच्छा जी, उसके बाद सबस्ट्रेट फिक्स हो जाता है तो क्या वो कोएंजाइम बन जाता है? नहीं, अगर देखें सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक होगा ना, अगर सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक है तब तो कोएंजाइम है, और सबस्ट्रेट इनऑर्गेनिक है तो कोफैक्टर है, तो कोएंजाइम यहाँ पे हो नहीं सकता, इसलिए कोएंजाइम नहीं हो सकता यहाँ पे। उसका बेसिक रीजन ये है कि कोएंजाइम के साथ सबस्ट्रेट कोवलेंटली बाइंड होता है और वो इतनी आसानी से नहीं हटता। वो कब हटता है? जब प्रोडक्ट बन जाती है। ठीक है, लेकिन कोफैक्टर जो है उसके पास सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्ट होता है और वो नॉन कोवलेंटली बाइंड होता है, तो उसको हटाया जा सकता है। यहाँ अगर कोएंजाइम होता तो हम नहीं हटा सकते, मे बी पॉसिबल वो अपनी मर्जी से हट जाता है इनहिबिटर को, ठीक, नहीं तो हम उसको हटा नहीं सकते थे। स्क्रीनशॉट ले लें फिर मैं आगे चलूं। इसके ऊपर नॉन कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर्स, 10 मिनट है ना, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। बस मैं साफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? नहीं, रिवर्सिबल अगर नहीं होंगे रिएक्शन तो फिर आप सबस्ट्रेट को नहीं हटा सकते, इनवर्सिबल के अंदर नहीं हटेगा ये। अगर इनहेबिटर कोवलेंट हुआ तो कैसे पता बता कैसे हटा सकते हैं? अगर वो कोवलेंट हुआ तो वो हटेगा ही नहीं, उसको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट वगैरह देनी पड़ेगी केमिकल बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है। फीडबैक पॉइंट में डिस्कस करूंगा, साफ कर रहा हूँ मैं इसको। अकल रखो ना, खुद अकल रखो भाई। अगर कोवलेंटली बाइंड हुआ, कोवलेंट बॉन्ड में कितनी एनर्जी होती है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, थर्ड या फोर्थ चैप्टर में मुझे जहां तक याद है मैंने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। तो अब कोवलेंट बॉन्ड को तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, अब वो इतनी एनर्जी आप उसको देंगे हीट की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो एंजाइम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंजाइम जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका। अच्छा जी, उसके बाद है सेकंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर्स। ये बड़ा, ये जो है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर्स क्या होते हैं? ठीक है, देखें These inhibitors, ये जो inhibitors हैं, are attached away from the active site. Active site called allosteric site. Allosteric site का नाम देंगे, ठीक है इसको, ड्यू टू विच
स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम इज मॉडिफाइड मॉडिफाइड और चेंज. सो पर्टिक्यूलर सब्सट्रैक्ट सब पर्टिक्यूलर जो सब्सट्रैक्ट होंगे आर नॉट बाइंड विद बताता हूं कैसे विद एक्टिव साइट. देखें यहां पर क्या हो कि हर एंजाइम के अंदर चलें देखें ये एक एंजाइम है और ये जो यहां पर है ये इसकी क्या है ये इसकी एक आपके पास मैंने अभी बताया एलोस्टेरिक साइट है. ठीक है अब देखें क्या होगा ये इसका पर्टिकुलर सब्सट्रैक्ट है और से देखिएगा इसका पर्टिकुलर क्या है सब्सट्रैक्ट है. अब यहां पर आकर के कोई इनहेबिटर क्या हो गया बाइंड हो गया यहां पर आकर के कोई इनहेबिटर क्या हो गया बाइंड हो गया. देखें रेड से बना रहा हूं ताकि शो हो ये इनहेबिटर बाइंड हो गया यहां. ठीक है जब ये इनहेबिटर यहां पे बाइंड हुआ ना तो एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होगा चेंज होगा. एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा थोड़ा सा जाने देखें एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होगा. देखिए एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या हो गया चेंज हो गया. अब एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हुआ ये था सब्सट्रैक्ट ये इसकी एलोस्टेरिक साइट थी. एलोस्टेरिक साइट देखिए यहाँ पे ये बाइंड है यहां पर ये बाइंड है. ठीक है ये क्या कहलाएगा साइट. देखिए एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या हो गया चेंज हो गया. एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो गया कि साइज तो उसका वही है यहाँ पे छोटा साइज बन गया मेरे ख्याल में चलें बड़ा साइज थे छोटा साइज बन गया आप समझेंगे शायद इसका साइज छोटा हो गया. कौन सा साइज छोटा हुआ इसका ये देख लीजिएगा चलें देखें ये इसकी एलोस्टेरिक साइट थी. क्लियर करो ना कहीं आप गलत ना समझ जाएं कंफ्यूजन. ठीक है जी अब सब्सट्रैक्ट कौन सा था जी अच्छा जी ये बाइंड होगा इसके साथ यहां पर बाइंड होगा क्या नो. ठीक है अब समझ आई आपको बात कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहेबिटर्स क्या हैं ऐसे इनहेबिटर जो बाइंड होंगे अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट से दूर जब वो एक्टिव साइट पे बाइंड हुए तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन आ गए चेंजेस आ गए और जब एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आए ठीक है ना तो ऐसी सूरत में देखें एक्टिव साइट का साइज क्या हो गया छोटा हो गया. सब्सट्रैक्ट का साइज क्या है बड़ा है. अब जब तक ये यहां से नहीं हटेगा तो ये अपनी एक्चुअल शेप के अंदर नहीं आ पाएगा एंजाइम अपनी एक्चुअल शेप में नहीं आ पाएगा एंजाइम. तो अब एंजाइम को अपनी एक्चुअल शेप में लाना तो आपको यहां से इस यानी के इनहेबिटर्स को हटाना पड़ेगा. ठीक है तो जब ये इनहेबिटर यहां से हटेगा तो एंजाइम अपनी प्रॉपर शेप में आ जाएगा और उस प्रॉपर शेप में आने के बाद ये सब्सट्रेट बाइंड हो जाएगा. अब ये देखें अब ये डिपेंड करता है कि अब ये एंजाइम देखें इस एंजाइम की एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो गई लॉस हो गई डिक्रीज हो गई अभी अपने एंजाइमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर रहा है. मे बी पॉसिबल आगे जाकर के ये खुद ब खुद हट जाए या सेपरेट हो जाए या इनके अंदर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए. ठीक है कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो बहरहाल ये आपके पास क्या है अटैचमेंट ऑफ दी सब्सटेंस द एंजाइम बिकम इनएक्टिव के इनएक्टिव हो गए और द बाइंडिंग साइट अदर देन एक्टिव साइट बाइंडिंग साइट जो है देखें अदर देन एक्टिव साइट देखें उसका साइज क्या हो गया स्मॉल हो गया. ठीक है तो ये तो क्या थे नॉन कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर्स थे. अब उसके बाद डिस्कस करेंगे वाटर को कि वाटर क्या है मैं इसको साफ कर रहा हूं. ठीक है नेवर क्या नेवर नेहा अच्छा इन उसकी बात मैं इसको साफ कर रहा हूं.
वाटर और फिर उसके बाद रेडिएशन और फीडबैक इनहिबिशन और फिर ये चैप्टर खत्म। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी तो बाकी है, ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाकी है अभी तो। चलिए वाटर क्या है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, बहुत आसान है। वाटर देखिए, वाटर क्या है, वाटर प्ले की रोल, एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम। वाटर का एक बहुत बड़ा रोल है एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम में। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से देखते हैं। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन जर्मिनेशन ऑफ सीड, During the germination of seed, the amylase enzyme is activated and take part in the germination of seed. जानते हैं, जल्दी से बताएं, जानते हैं तो मैं आगे चलूं, नहीं जानते तो फिर मैं इसके ऊपर बात करूं। जल्दी से बताइएगा, बताएं, एक मिनट बाकी है मीटिंग में ना खत्म होने में, तो मैं इसको ना मीटिंग को लेफ्ट करके फिर दोबारा आ रहा हूं ताकि हमारी बात जो है कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ओके सर, जी सर, चलो भले यार, अरे यार